अगर आपको भी करनी है अपनी गरीबी दूर, तो जैसे ही टाइम है इस टाइम पे क्रिकेट का चैनल बनाओ और 10 दिन में जहाँ पे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यूट्यूब के ऊपर आईपीएल इस टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। इस टाइम पे अगर आप जहाँ पे क्रिकेट का चैनल बनाते हो तो काफी जल्दी आपकी वीडियो जहाँ पे वायरल हो जाएंगे। आपको जहाँ पे व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी जहाँ पे रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को जहाँ पे पता कुछ जहाँ पे आईपीएल की ऑडियंस है वो सिर्फ जहाँ पे इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे आईपीएल देखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ऑडियंस है आईपीएल की। तो अगर आप इस टाइम पे जहाँ पे क्रिकेट की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे बूस्टअप देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर और व्यूज़ जहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे आपका चैनल काफ़ी जल्दी जहाँ पे वायरल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको जहाँ पे बताऊंगा कि आपको जहाँ पे आईपीएल की क्लिप्स कहाँ से उठानी है, ताकि आपको जहाँ पे जैसे उनको अपलोड करो ना ही जहाँ पे कोई कॉपीराइट क्लेम आए, ना ही जहाँ पे कोई स्ट्राइक आए। हर साल आईपीएल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट के चैनल जहाँ पे बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे मोनेटाइज हो जाते हैं। अगर आप इस टाइम पे जहाँ पे क्रिकेट का चैनल नहीं बनाओगे तो कोई दूसरा जहाँ पे चैनल बना लेगा और अपना चैनल जहाँ पे मोनेटाइज कर लेगा। स्वागत है आपका लवी शर्मा चैनल की एक और नई वीडियो पर। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफ़ी ऐसे शॉर्ट टर्म के लूट ऑफर निकल के आते हैं जिनकी वीडियो वगैरह क्रिएट नहीं होती। उनका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अगर अपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया होगा वहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी, और ऐसे में जितने भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे क्या करना है, एक क्रिकेट का न्यू चैनल जहाँ पे क्रिएट करना है, जिसमें आपने क्रिकेट के रिलेटेड जहाँ पे लोगो लगाना और क्रिकेट के रिलेटेड आपने जहाँ पे बैनर लगाना, और जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे अबाउट में लिखोगे वो भी आपने क्रिकेट के रिलेटेड जहाँ पे लिखना है। क्योंकि अगर आप जहाँ पे पुराना चैनल को यूज़ करोगे तो उस पर आपको बूस्ट नहीं मिलेगा, न्यू चैनल को यूट्यूब जहाँ पे खुद से भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देता है। तो अगर आपने न्यू चैनल क्रिएट करोगे, जैसे इसमें फर्स्ट वीडियो जहाँ पे अपलोड करोगे, तो यूट्यूब उस वीडियो को खुद से भी जहाँ पे पुश करेगा, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट खुद से भी उस वीडियो को जहाँ पे देगा। तो अगर आपको जहाँ पे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप उससे जहाँ पे डेली 2-3 वीडियोस जहाँ पे बना लोगे, बट अगर आपको जहाँ पे क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर भी मैं आपको वेज बताऊंगा, उन वेज का यूज़ करके आप जहाँ पे इजिली क्रिकेट की वीडियोस जहाँ पे क्रिएट आउट कर सकते हो। तो अगर आपको जहाँ पे क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपने जहाँ पे गूगल न्यूज़ की हेल्प लेनी, आपने सिंपल से गूगल न्यूज़ में जहाँ पे क्रिकेट के रिलेटेड जो भी मैच चल रहा होगा उसमें अच्छे से रिलेटेड जहाँ पे सर्च करनी, आपके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वहाँ पे देखने को मिलेंगी। उन न्यूज़ टॉपिक को आपने जहाँ पे अपने चैनल के ऊपर कवर अप करना है, अपने सिंपल से जहाँ पे उस न्यूज़ के जहाँ पे रीड आउट करना है, उसके बाद उसी रिलेटेड आपने जहाँ पे वीडियो बनानी है। जैसे कोई क्रिकेट का जैसे मैच होता है तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन न्यूज़ में जो आपने रीड आउट करा होगा उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करनी है, और उसको अपने अपने चैनल के ऊपर जहाँ पे अपलोड करना है। और आपको जो जहाँ पे वीडियोस अपलोड करनी है डेली 2 लॉन्ग वीडियोस यहाँ पे अपलोड करनी है, और 2 ही शॉर्ट्स आपने जहाँ पे अपलोड करने हैं। शॉर्ट्स से आपको काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे व्यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट्स काफ़ी जल्दी जहाँ पे वायरल हो जाते हैं, तो शॉर्ट्स फीड से आपको काफ़ी ज़्यादा व्यूज देखने को मिलेंगे। और जो जहाँ पे लॉन्ग वीडियोस होंगी, जैसे ही ऑडियंस लॉन्ग वीडियो के ऊपर आएगी तो वो आपकी उन वीडियोज़ को भी जहाँ पे वॉच आउट करेगी, और वहाँ से भी आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे। अब आप जो भी जहाँ पे चैनल बनाओगे उसमें आप जहाँ पे वॉइस ओवर वाला चैनल भी बना सकते हो, और फेस कैम वाला भी, जिसमें भी आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो वो चैनल आप जहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप फेस के साथ वीडियोस जहाँ पे बना सकते हो तो आप फेस कैम वाला चैनल जहाँ पे बना सकते हो, और अगर आपको जहाँ पे फेस दिखाने में दिक्कत होती है, आप फेस वाली वीडियो जहाँ पे नहीं बना सकते तो आप वॉइस ओवर कर सकते हो, वॉइस ओवर वाले चैनल भी काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे ग्रो अप करते हैं। और जो आपके चैनल का जहाँ पे मेन नीश होगा, जो आपका चैनल की कैटेगरी होगी, आपने क्रिकेट न्यूज़ अपडेट का जहाँ पे चैनल बनाना है, आपने क्रिकेट के रिलेटेड न्यूज़ जहाँ पे देनी है, मतलब जो भी मैचेस में हुआ होगा उसकी न्यूज़ जहाँ पे देनी है, जो आने वाले मैचेस में प्रेडिक्शन होगी उसकी न्यूज़ आपने जहाँ पे देनी है, और जो प्लेयर जहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसकी न्यूज़ जहाँ पे देनी है, पिच की न्यूज़ जहाँ पे देनी है, इस तरह का आपने जहाँ पे चैनल क्रिएट करना है। जो आपकी थीम होगी वो ये थीम होगी। अब जो जहाँ पे मेन बात आती है कि क्रिकेट का अगर आप जहाँ पे चैनल क्रिएट करते हो तो आप जहाँ पे क्लिप्स कहाँ से उठाओगे, क्योंकि क्लिप्स का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। अगर आप यहाँ पे क्रिकेट की वीडियोस के डायरेक्ट जहाँ पे क्लिप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करोगे तो गारंटेड आपको जहाँ पे कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलेगी, और आपका जहाँ पे चैनल भी डिलीट हो जाएगा। तो कभी भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप डायरेक्ट जहाँ पे क्रिकेट की क्लिप उठाओ और उसको जहाँ पे अपने चैनल के ऊपर अपलोड करो, उसके ऊपर अगर आपने अपना वॉइस ओवर भी किया होगा तब भी आपका चैनल डिलीट होने के 100% चांसेस आपको क्लेम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ये चीज़ जहाँ पे बोलते हैं कि आप क्रिकेट के क्लिप्स अपने चैनल के ऊपर डाल सकते हो, उससे आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जहाँ पे डालते हो तो 100% आपका चैनल जो जहाँ पे सेफ नहीं है, अनसेफ चैनल होगा आपका। आपको जो जहाँ पे यूज़ करना है, आपको इमेजेस का जहाँ पे यूज़ करना है, जितने भी क्रिकेटर हैं आप उनके जहाँ पे इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया के जो हैंडल है उनको जहाँ पे फॉलोअप कर सकते हो। जैसे कोई भी क्रिकेटर होगा उसका सोशल मीडिया से आपको उसकी इमेजेस जहाँ पे मिल जाएंगी, तो उसकी इमेजेस जहाँ पे उठाना है उसमें आपने जहाँ पे फैक्ट्स लगा सकते हो, उसमें ट्रांजेक्शन लगा सकते हो, उसमें थोड़े से बहुत एनिमेशन कर लो, और उस फोटो को आप एज ए वीडियो के फॉर्म में जहाँ पे ले के आ सकते हो, और उस फोटो से आप छोटी सी क्लिप बना सकते हो, और जो भी आप उस क्रिकेटर के बारे में जहाँ पे बता रहे होंगे तो उसकी सेम इमेज आपने जहाँ पे यूज़ करनी है। इस तरह से आपने जहाँ पे क्लिप्स बनानी है। ये जो जहाँ पे क्लिप्स आप कैनवा की मदद से इजिली जहाँ पे क्रिएट आउट कर सकते हो, आप किसी भी फोटो को ट्रांजेक्शन इफेक्ट इसलिए जहाँ पे कैनवा में दे सकते हो। इसके अलावा आपने जो भी जहाँ पे फोटोस उठाने हैं वो आप जहाँ पे गूगल से भी उठा सकते हो, बट एक चीज़ का आपने जहाँ पे ध्यान रखना, आप कोई भी लोगो वाला फोटो जहाँ पे नहीं उठाना। अगर उसके ऊपर किसी भी कंपनी या किसी भी वेबसाइट का लोगो वगैरह होगा तो उसमें आपको कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक की इशू आएगा। तो आपने ऐसे भी इमेजेस का जहाँ पे यूज़ नहीं करना, आपने वही इमेजेस जहाँ पे यूज़ करनी है जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी जहाँ पे लोगो वगैरह नहीं दिया हो। तो इस तरह से आप जहाँ पे क्रिकेट का चैनल बनाकर उसको काफ़ी जल्दी जहाँ पे बूस्टअप कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हुई है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करें। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।